गौरव यादव चैनल प्लीज सब्सक्राइब चैनल प्लीज सब्सक्राइब गौरव यादव चैनल प्लीज सब्सक्राइब। नौजवान साथियों, अमर सिंह राठौर ने जो खुद पे जल हतो ना, उसी जल में से एक कटोरा जल को नरसिंह बाज पठान को दे दिया। जब पठान उस पानी को पीकर खड़ा हुआ है, चेहरे पर मुस्कुराहट के चिन्ह आ गए और आंखों में मुस्कुराहट के चिन्ह लेकर बोला, राठौर एक कटोरा जल का देकर जो पठान के ऊपर तुमने एहसान किया है, इस एहसान का बदला मैं किन शब्दों में परिणत करूं? क्या बोला पठान? ये बोरी रहे जिसकी कि ब्याज त्रिभुवन की संपत्ति सारी है, ये बोरी रहे जिसकी कि ब्याज त्रिभुवन की संपत्ति सारी है, जाके चुकते देखो राठौर अब बाकी दे हमारी। जाके चुकते देखो भैया अब बाकी दे हमारी है, जाके चुकते देखो भैया अब बाकी दे हमारी है। एक कटोरा जल के बदले शीश धोई भैया अमर सिंह राठौर पठान की यारी हो गई है, यारो अमर सिंह राठौर पठान मियारी हो गई है। सुनी एक पठान एक कटोरा जल के ऊपर अपनी जिंदगी को मौत में बदलना चाहता है, राठौर कहने लगा, यार दही के धोके चूरना चाटने की कोशिश मत करना। अगर तू पठान वंश में पैदा है तो अमर सिंह भी एक राठौर जाति में पैदा है, और राठौर जाति में पैदा होने के नाते अगर तू मुझे सर देना चाहता है तो इस बात की मुझे सौगंध है, गैया शेर को मार सकती है, कच्छप की पीठ पर बाल उग सकते हैं, सूरज ठंडा पड़ सकता है, चंद्रमा आगे उगल सकता है, गंगा पश्चिम को बह सकती है, अपने काम हो सकते हैं, मगर अमर सिंह अपने दिए हुए जवान से वापस नहीं लौट सकता है। और क्या बोला अमर सिंह? आज वक्त पड़े पे पठान मेरी तेरी यारी को फलवाए, सब पर जाइए महाराज प्रीत की रीति जो उलटी है, और अमर सिंह राठौर ने हुन पे पगिया पलटी है। मेरे पूजी गुरु आधार धार में कैसे बहरे, संबोधित कर देता है और इस बात की शर्त लग गई कि वक्त आने दो पठान, अगर अमर सिंह राठौर वंश में पैदा है तो अपने खून का कतरा देकर तुम्हारी दोस्ती का फल चुका देगा। बंधुओं, पठान वहां से चला गया। इधर अमर सिंह हाड़ी रानी को लेकर नौ महला में आएगो, और एक बात बताएं, विदा जब होके आते हैं ना और दुल्हनिया पायनम पायल बजा के आंगन में छम 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 करके राम शरण नाचते ना, गलबैया दई डारी पिया के नारिन बिलम लगाओ,
हाड़ी रानी ने सेजन पे सैया संग सुख उठा रानी ने सेजन पे सैया संग सुख उठा और गल बइया दई डारे पिया के नारे न बिलम लगाओ हाड़ी रानी ने सेजन पे सैया संग सुख उठाओ छुट्टी चौदह दिन महलन रह आओ सात दिन की छुट्टी बिन चौदह महलन रह पाओ। अमर सिंह राठौर स्त्री के प्यार में इतना पागल हो गया लोगों कि सात दिन की छुट्टी है लेकिन चौदह दिन बीत गए महलन में बुनाई निकल तो आंगन से प्रेम चंदने को भैया प्रिया जाल राठौर प्यार में पागल हो गए प्रिया जाल राठौर प्यार में पागल हो गए पागल हो गए है रे प्यार में पागल हो गए ओए ओ सुरजन प्यार में पागल हो गए छुट्टी अति साजा कैसे लेकिन अमर सिंह राठौर को 14 दिन गुजर गए आंगन से निकल कर ये नहीं देखा कि साजा के दरबार में हो क्या रहा है। और जब दोस्त लोग अमर सिंह को नया तो एक बात तुम्हें बताएं प्रीत करे तो करे मर्द से प्रीत करे तो करे मर्द से नारी से प्रीत करे ना जवा तो खूब ख्याल रखियो अभिलाख प्रीत करे तो करे मर्द से नारी से प्रीत करे ना और औरत अपनी नाय होती बिन आई मौत मरे ना प्रीत करे तो करे मर्द से नारी से प्रीत करे ना और औरत अपनी ना होती बिन आई मौत मरे ना और प्रीत करी थी बाहिरा बढ़ने सिया सिनार चुराई प्रीत करी थी बाहिरा बढ़ने सिया सिनार चुराई और सोने की लंक खाक कर दारी रह कर मल लंका खाक कर डारी कर मल मल पछताई और प्रीत करी थी भाई मजनू ने लैला से लेहा लगायो प्रीत करी थी भाई मजनू ने लैला से लेहा लगायो और सीरी पे फरियाद मिट गयो हाथ कछु ना आयो फरियाद मिट गयो हाथ कछु ना आयो रे सुरजन तूने नारी को बुरी तरह ठुकरायो रे सुरजन तूने नारी को बुरी तरह ठुकरायो और तौरा ठोर के ऊपर यार ये तेरे कलंक लगायो अपनी दुल्हनिया के प्यार में इतना पागल हो गया। वैसे एक बात को और ख्याल रखे रहिए लोगों जब दोस्त इंसान को नए हो तो छोटी पूरी कामिनी सबई बिसकी छोटी पूरी कामिनी सबई
सखी पे बैरी मारे दाऊ से जे मारे हथे राठौर अपने महलों में अपनी दुल्हन के साथ प्यार से बड़ा ऐश उड़ा रहा है। उधर क्या हुआ जानते हो? चुगिल हर जगह मौजूद होता है। जो शाहजहां का बहन का भाई यानी शाहजहां की बेगम को भैया सलावत खान, जो अमर सिंह राठौर से स्वाभाविक जलन मानता था, इधर उसे मौका लगा है और जाकर शाहजहां को क्या जवाब दिया? बहनोई साहब, आप होश में हैं? क्यों, मैं तो होश में हूं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सलावत मुस्कुराने लगा, बहनोई साहब अब हमें जो लगा था कि तुम्हारी हड्डी को शर्मा बने चाहता हूं। क्यों, आपको पता है शेख सलावत आए भूप ढिंग जाए गिरा उचारी क्या, और अमर सिंह ने बात करे तेरी धूल कर कर गुजर गए हैं, आज तक अमर लौटकर अपने सलावत खान के पास हाजिरी लिखाने नहीं आया। साजा कहने लगे, होश में तो हो सलावत, अमर सिंह को झगड़ा मोल लेना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। जिस जवान के खौफ से आगरा के आसपास का इलाका तहलका मचा हुआ है, अगर उससे हमने दुश्मनी मोल ली तो यह अपने लिए बहुत खतरनाक बनेगा। दांती पीस कर सलावत कहने लगा, बहनोई साहब इसका मतलब है कि अमर सिंह ने आज समाज में हमारी और आपकी बात का उल्लंघन किया। एक अमर सिंह है, कल से दूसरा भी अमर सिंह बनकर तैयार होगा। इस तरह से अगर सेना का हर जवान यही दशा किए रहा तो तुम्हारी फौज ये कब तक चलेगी? और खुले शब्दों में क्या बोला ये सलावत? आज एक दिना को एक लाख बप जुर्माना करवाया, आज एक दिना को एक लाख बप जुर्माना करवाया, और सात लाख जुर्माना बाप भरवाया। सात दिन गुजर गए अमर सिंह को बिना छुट्टी के। महाराज
भैया होनी है बलवान, बुद्ध ने पलटा खा शब्द सुनाए हैं। जानते लोग कहने सुनने से दीवाले तक चली जाती हैं। वो तो आखिर इंसान था। सलावत का परामर्श जब शाहजहां के कानों में टकराया है, ऐसा बस हुआ मानो गर्म गर्म शीशा किसी ने कानों में डाला हो। दांती पीस कर अमर सिंह के भतीजे राम सिंह को बुलाया, जो उसी जगह पर तैनात था। राम सिंह इधर आओ। क्यों महाराज, कोई बात है? हाँ, कहाँ है तुम्हारा चाचा अमर सिंह? जवाब दिया महाराज, आंगन में चाची के साथ प्यार से समय संपन्न कर रहे। यह तुझे पता है कि इस प्यार का नतीजा क्या निकलेगा? राम सिंह कहने लगा, खूब अच्छी तरह जानता हूं, मगर मैं चाचा से कहने का कोई अधिकारी नहीं। नीचे वाले होठ को दांतों से दबाकर शाहजहां क्या बोला, अगर तू कहने का अधिकारी नहीं तो हमारी तरफ से एक बात जाकर उससे कह दे कमीन से। जय सिंह कमीन को नाम सुनो है ना। राम सिंह की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। महाराज, अपनी जवान पर लगाम लगाओ, कहीं अपनी जवान उठने से पहले मेरा सर पर तुम्हारे पर हाथ न उठ जाए। आखिर शेर का लड़का था लोगो। क्या बोला राम सिंह? कमीन कह के जो चाचा को फिर आवाज लगाई, निकहो समय राजा आयो रे नए सिर धरनी पे बहराई। महाराज हाथ में लई कटारी है, पर सावधान हुई जाओ नदी जो अब चाचा को गारी है। राम सिंह ठाड़ो हुई में कटा लेकर खड़ा हो गया। शाहजहां, अगर अब की बार चाचा जी के लिए गलत शब्द यूज किए तो उसका परिणाम तुम्हारी मौत होगा। शाहजहां की पिंडरी कपन लगी। लोगों पानी हुई है पेटम पानी, धोतिया ढीली पड़ी है। क्या बोला राम सिंह? हम जानते हैं कि तुम राठौर वंश में पैदा हुए हो, जिसकी धमनियों में विशुद्ध क्षत्रिय रक्त बह रहा है। वो अपने चाचा की बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम एक बात को सुनो, समाज मेरे ऊपर कलंक लगा रहा है कि इसका अमर सिंह से प्यार है, इसलिए अमर सिंह पर जुर्माना नहीं कर रहे हैं। उससे जाकर ये कह दो, क्या आज शाहजहां बाय मेलन में देख राम सिंह तेरा हुए। महाराज राठौर को जल्दी पहुंचाना, और सात दिन आ गए बीत के दे जाए मोको जुर्माना। करिया नागिन बन के दस गई मोहन तेरी मातिया। बंधुआ, जिस वक्त अमर सिंह के लिए एक खत लेकर राम सिंह आंगन में आए हैं, उस वक्त अमर सिंह शोक की नींद हाड़ी रानी के पलंग पर सो रहा था।
दुसाला को झटक कर राम सिंह अपने चाचा से क्या बोला चाचा जी? किस गफलत की नींद में, किस गफलत की नींद में रहे चाचा जी सोए, चाचा मजा शराब का अब सब मालूम। चाचा जी जो ये शराब और सबाब का नशा है शायद तुम्हें आगे चलकर मालूम पड़ जाएगा इसका रिजल्ट क्या है। अब सब मालूम होए शीश चौगिरई का चक्कर है और शेख सलाबत खान, हाँ हाँ शेख सलाबत खान तुम्हारी रहा से काय और क्या बोला हो नालायक? बस 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 खामोश रे करन अधिक बकवास, बस 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 खामोश रे करन अधिक बकवास, बेटा होकर शेर का खड़ा बजावे गाल, जाबे गाले आय के मोकू मुख दिखलायो और शेख सलाबत खां को गर्दन, हाँ हाँ शेख सलाबत खां की गर्दन नाय काट के लायो। हाँ भैया, जिस वक्त अमर सिंह राम सिंह को समझाए के और सलाबत खान शाहजहा के पास को चलो है कि उसका कर्ज 7 लाख जो है ना
एक गर्दन काट कर दूंगा। जैसे यहां दुखिया हाड़ी रानी को जो पतो लगो को मेरे पिया शाहजहां के साले साहब सलाबत खां के पास ऋण देने के लिए जा रहे हैं, दुखिया ने अपने हृदय सम्राट के आगे खड़ी हुई कि दोनों पहियों पे अपने पैर डाल दे और क्या बोली, पिया एक बात बताऊं। क्या बताऊंगी? एक दिना को एक लाख नहीं ज्यादा पति जरमाना रे। एक दिना को एक लाख नहीं ज्यादा पति जुर्माना रे। हम कर दिए भुगतान सवेरे सारा जाए समझाना रे। और लूट मौज बहार भार में पटको तुम परवाना रे। और नौ करोड़ को हार मेरो भुगतान करे जुर्माना रे। और रात अंधेरी साली रही मत तर्क करो तुम जाना रे। भैया घुटुअन में सर दे के बहन गैया सी रोई है। अब तो घुटुअन में सर दे के नार गैया सी रोई है। बंधुआ जिस वक्त अमर सिंह राठौर की रास्ता रोकी है और हाड़ी रानी ने दोनों बहिया अपने पिया के गले में फंसाए दई, महाराज सात दिना को 7 लाख जुर्मानो है लेकिन मेरे गले में जो 14 लाख को हार है जाकि एक कड़ी सो और तुम्हारा वह जुर्माना पूरा भर जाए। लेकिन पिया तुम जा आधी रात के वक्त पर मेरी सेज को छोड़ के न जाओ। लेकिन अमर सिंह क्या बोला? वाह भैया तू कायर बाप की बिटिया है तस रोकत गेला हमारी। तू कायर बाप की बेटी है तस रोक गेला हमारी। मोया क्या हंस के दे देरी हाड़ी रानी मेरी प्यारी। भैया ठाड़ो है राठौर पेट में जाड़ो हुई है। अब तो ठाड़ो है राठौर पेट में जाड़ो हुई है। गौरव यादव चैनल प्लीज सब्सक्राइब। गौरव यादव चैनल प्लीज सब्सक्राइब।